हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी। मैं शाविज अली। दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको रमजान का पहला जुमा और पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक हो। बताइए कैसा रहा आज का दिन, पहला रोजा था आज, कैसा रहा आप सबका रोजा? उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह बहुत अच्छा दिन बीता होगा आज का। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुबारकबाद तो देखिए बनती ही है आज की, क्योंकि दिन जुमा और पहला रोजा, तो डबल डबल मुबारकबाद है आप सबको। जुमा और पहला रोजा बहुत बहुत मुबारक। तो आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों, वो होने वाला है एनआरके का। एनआरके के कुछ ब्लॉक आए हैं आज आपको, 3 रील पे 9 कॉर्ड और 6 रील दोनों पे ही 9 कॉर्ड मिल जाएगा, और 12 कॉर्ड यानी कि 12 तार भी आपको 3 रील और 6 रील पे दोनों पे मिलने वाला है। तो उसके बाद सबसे ज्यादा स्पेशल ये है कि ब्लैक कमांडो आया है। ब्लैक कमांडो 8400 आर्टिकल पे आज मैं पहली बार उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। ब्लैक कमांडो का मैं आज रिव्यू करूंगा 8400 आर्टिकल के ऊपर। तो सबसे पहले तो दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं। हमारे सूरज भाई बहुत जोरों शोरों से तैयार है, एकदम ब्लेड आरी लिए। दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद आपके सामने मांझो का रिव्यू पेश करूंगा इंशाल्लाह। जो भी होगा रिजल्ट आपके सामने आएगा, और जो भी जेन्युइन रिव्यू होगा इंशाल्लाह वही करूंगा। तो उम्मीद करता हूं बोर नहीं हो रहे होंगे आप लोग, और अगर वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रहा है। तो प्लीज वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए और आगे बने रहते हैं वीडियो में। फटाफट पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। सूरज भाई हमारे एकदम रेडी है, और चलिए दूसरा कार्टन भी अनबॉक्स करते हैं। तो मैं तो कहूंगा ये तीसरा भी अनबॉक्स कर लेता हूं आज ही, और इन सब के ब्लॉग अलग अलग मैं आपको दिखा दूंगा। तो बड़ा अलग खोलते हैं पहले। सूरज पहले बड़ा अलग काटो यार। बिल्कुल शाविज भाई, तो देखिए मैं बड़ा कार्टन आपके सामने पहले अनबॉक्स करने जा रहा हूँ, और ये बड़ा नहीं बहुत ही बड़ा है कार्टन। पहले कार्टन में आपने इनके बहुत सारे आर्टिकल देखे थे, जिसमें 8400 और रॉकेट 9 कॉर्ड एंड 12 कॉर्ड देखा था। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। बस सूरज ज्यादा समय ना बर्बाद करो, फटाफट करो, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसमें और कौन कौन से ब्लॉक आए। लमसम इसमें भी 80 के ऊपर चरखे होंगे, 80+ चरखे हैं, और इसकी डिटेल मैं आपको वीडियो गाइड में दूंगा हमेशा की तरह, कि इसमें कौन कौन से जो ब्लॉक हैं, इसमें जो भी ब्लॉक हैं वो कितनी रील के ऊपर आए हैं, या कौन सा धागा लगा है किस आर्टिकल के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो मुझे ये ग्रीन रैपर बेसिकली नज़र आ रहा है। सारा ग्रीन रैपर है क्या भाई? नहीं, ग्रीन भी है, डबल गुलाब भी है। डबल गुलाब कौन से आर्टिकल पर लगा के भेजा? ओफो, डबल गुलाब 8400 पे। देखिए दोस्तों, डबल गुलाब 8400 के ऊपर, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बहुत सारे चरखे दिख रहे हैं। फटाफट इसको बाहर निकालते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। चलिए दोस्तों, तो गाइस सारा स्टॉक बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं एक कॉटन में कितना स्टॉक आया था। ये देखिए आप, ये सब डबल डबल तय लगी हुई है, और ये शायद मेरे ख्याल से 8400 चरखों से भी ज्यादा है। ये आप देख के बताइए, गिन के बताइए आप लोग ये कितने चरखे हैं। अगर आप सही जवाब देंगे तो मैं भी कुछ ना कुछ सोचूंगा आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, सारा का सारा स्टॉक मैंने इससे बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हैं क्वांटिटी, देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में ये मांझा है। और पिछले ब्लॉग में, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि एनआरके का ये जो ब्लॉक निकला था ये 3 रील पे निकला था, और इस बार ये 6 रील पे आया, यानी कि 12 तार आपको 6 रील पे मिल रहा है। ये देखिए, पिछले वीडियो में जो अनबॉक्सिंग हुई थी उसमें 3 रील निकला था, इसमें 6 रील पे निकला, यानी कि 3 रील और 6 रील पे आपको दोनों पे ही आपको 12 कॉर्ड मिल जाएगा। और पिछले वीडियो में आपने देखा था 9 कॉर्ड, ये देखिए आप, ये सारा 9 कॉर्ड का स्टॉक आया है। पिछले वीडियो में आपने देखा था ज्यादा कलर नहीं थे 9 कॉर्ड में, इस बार आपको काफी सारे कलर मिल रहे हैं। और ये है 8400 आर्टिकल डबल गुलाब, डबल गुलाब आपको 8400 आर्टिकल के ऊपर भी मिल जाएगा, और 9 कॉर्ड भी आपको 3 रील पे मिल रहा है, यानी कि पिछले वीडियो में आपको 12 तार 3 रील पे मिला था, इस बार आपको 9 कॉर्ड 3 रील पे मिल रहा है। तो 9 कॉर्ड 3 रील पे ये है, और 6 रील पे भी मिल जाएगा, 12 तार भी आपको 3 और 6 पे मिल जाएगा, यानी कि आपको जो भी चाहिए सभी कुछ मिल जाएगा। तो अब इस मांझे के रिव्यू की बारी है, मैं इसका रिव्यू देना चाहूंगा आप सभी को, और अभी शॉप में जगह नहीं है, इस कार्टन को बाद में खोलूंगा मैं। फिलहाल इस मांझे का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, आपको बताता हूँ ये मांझा किस कलर पे या कौन सा आर्टिकल किस पे किस पैटर्न पे लग गया है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने सभी मांझे यहाँ पर ले लिए। सभी मांझों का मतलब ये है कि मैंने डिफरेंट कलर ले लिए एनआरके के। एनआरके के ये 8400 आर्टिकल है, और ये जो मैं डबल गुलाब आपसे कर रहा, ये असल में ब्लैक कमांडो है। ये डबल गुलाब नहीं, इसके ऊपर रैपर उन्होंने दूसरा लगा दिया, शायद ब्लैक कमांडो का रैपर खत्म हो गया था, तो इन्होंने क्या किया है इसमें रैपर चेंज कर दिया, पर है ये ब्लैक कमांडो। देखिए इसमें साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है ब्लैक कमांडो, देखिए हर चरखे पर लिखा हुआ है ब्लैक कमांडो, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लैक कमांडो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक कमांडो लिखा हुआ है। तो ये ब्लैक कमांडो है, ये डबल गुलाब नहीं है दोस्तों। और मैंने और भी इनके आर्टिकल ले लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 रील पे मैंने ले लिया है इनका ये ग्रीन रैपर। इसके बाद देखिए ये है 3 रील पे 12 तार वाला है, ये ग्रीन रैपर 9 तार पे, यानी कि 9 कॉर्ड में है ये, और इसमें आपको 6 रील भी मिल जाएगी, लेकिन ये 3 रील का चरखा है। तो ये 3 रील पे है, ये
ये भी तीन रील पे 12 तार के हैं, तीन तीन रील के, और इनमें मैंने सब डिफरेंट डिफरेंट कलर भी ले लिए दोस्तों। तो चलिए अब बारी है रिव्यू की। मैं सबसे पहले ब्लैक कमांडो का रिव्यू करना चाहूँ क्योंकि ब्लैक कमांडो पहली बार 8400 आर्टिकल के ऊपर लग के आया है, और 9 कॉर्ड या 12 कॉर्ड इन सब के रिव्यू मैं पहले भी कर चुका हूँ और आज भी रिव्यू मैं इनका करूंगा इंशाल्लाह, मगर सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा ब्लैक कमांडो से। तो चलिए दोस्तों फटाफट इसको अनरैप करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं। ये चार कलर मैंने ओपन कर लिए हैं और इसमें और भी कलर है, इसमें आपको रेड भी मिल जाएगा, मेहरून मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, जैसे कि ये शायद एक नेवी ब्लू है, एक शायद ये पर्पल कलर है। तो ये मैंने चार चरखे ओपन किए, मैं इन्हीं का रिव्यू करूंगा आज। चलिए दोस्तों रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए आर्टिकल 8400 की यहाँ पर स्लिप लगी हुई है, सभी मांझों पे लगी हुई है, देखिए 400 आपको साफ तौर पे नजर आ रहा होगा, सभी पे लिखा हुआ है। तो ये 8400 आर्टिकल के ऊपर है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मांझे की। ये तो हो गया आर्टिकल, और बहुत ज्यादा करारा मांझा है दोस्तों, ये एकदम मतलब कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है इसमें। जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये आप देख पा रहे होंगे निकल रहा, तो कड़कड़ाहट की आवाज आ रही है। छल्ले वल्ले देखिए कितने अच्छे से इसमें यहाँ पर, ये देखिए छल्ले बहुत अच्छे से गिरे हैं यहाँ पे। मांझा काफी करारा है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्पर है मांझे में। और मांझे में एक बात जो है वो ये है, बहुत ज्यादा स्पेशल कि मांझे पे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कोई कोटिंग करी गई है, जैसे कि मैंने बिंदी मामा की शादी के ऊपर कोटिंग देखी थी, और मैं फील करता हूँ ये कोटिंग टाइप की नहीं होती है, कोट जैसा लगता है कोई कोट किया हुआ इसके ऊपर, मतलब एक कोट टाइप का लग रहा है मांझे के ऊपर। 8400 आर्टिकल पे मैंने बहुत सारे मांझे देखे, पर ये जो मांझा है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहा है, और शायद कलर की वजह से हो सकता है। दूसरा कलर भी मैं इसका ओपन करना चाहूंगा, ये ऑरेंज कलर है दोस्तों, और सेम ही बात इसमें भी मुझको सेम ही बात नजर आ रही है। सबसे पहली बात तो ये थोड़ा सा चढ़ा भी है और एकदम गोल मांझा है ये, मतलब एकदम डिफरेंट है, इसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ ये मांझा क्या है। मतलब जितने भी मांझों का मैंने 8400 पे रिव्यू किया है, ये थोड़ा सा सबसे अलग हटके है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब अजीब टाइप का मांझा है दोस्तों ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है दोस्तों। मांझे में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा वर्क किया है, और इसका कस देखते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा कस है। कस के बाद ऑरेंज कलर पे जमाओ देखिए कितना अच्छा, मैंने इतना ठुनका उसके बाद कहीं पर जरा सा भी कोई शिकन नहीं मांझे के ऊपर, मतलब जमाओ भी बहुत अच्छा है। ये मेहंदी कलर है, ये देखिए छल्ले ऑटोमेटिक बाहर इसने फेंक दिए, ये है टेम्पर, मांझे में टेम्पर होता है तो ऑटोमेटिक जो छल्ले होते हैं वो बाहर के रूप पे चरखा फेंक देता है। तो यही चीज में मतलब इसका जो गेज है काफी अच्छा गेज है मांझे का, और मांझा जो है एकदम गोल धार का है, मांझा कांटा भी है मांझे में, और कांटे के साथ साथ मांझे में चिकनापन भी है, मतलब भुरभुरापन नहीं, जो मांझे में होता नहीं भुरभुरापन, इस मांझे में भुरभुरापन बिल्कुल भी नहीं है। मांझे में लोच भी है, ये देखिए आप अच्छी लोच है, टेम्पर है, मतलब लोच के साथ साथ जो कहते हैं स्मूथनेस, मांझा काफी स्मूथ भी है, टेम्पर भी है मांझे में, मतलब कहते हैं कि लचक, देखिये अच्छी लचक है मांझे में, टेम्पर है, सभी कुछ है मांझे में। क्या फार्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया समझ में नहीं आ रहा है, पर मांझे का जो भी मांझा इन्होंने बनाया है ये बहुत अलग हटके बनाया, पहली बार इन्होंने बनाया है। कहने का मकसद ये कि ये जो मांझा 8400 आर्टिकल के ऊपर आप देख रहे हैं, ये मांझा पहली बार एनआरके ने बनाया है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी जब तब जाके उन्होंने 8400 आर्टिकल के ऊपर ब्लैक कमांडो बनाया, और ये ब्लैक कमांडो एनआरके का टॉप ब्लैक होता है 1-2-3 में, पहली बार उन्होंने 8400 आर्टिकल के ऊपर लगा के भेजा है। आप देख सकते हैं ओरिजिनलिटी का इनका जो प्रूफ है, देखिए एनआरके की पूरी डिटेलिंग है यहाँ पर, देखिए स्टैंप है मांझों के ऊपर, स्टैंप है इस पे भी, स्टैंप दिख रहा होगा आपको, इस पे भी स्टैंप दिख रहा है, और स्टैंप इस पे भी है, पर ये जो कलर है इस पे स्टैंप नजर नहीं आ रहा, तो आप देख सकते हैं ब्रांड को ब्रांड बनाए रखना, इतने लंबे समय तक ब्रांड बनाए रखना ये काबिले तारीफ है, मतलब 10 में से 10 मार्क्स मैं इसको देना चाहूंगा, 100 में से 100। तो ये मेरे तरफ से एक हरी झंडी है एनआरके को, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा मांझा बनाया दोस्तों। इस मांझे मतलब मैंने इसका ऑर्डर किया था पर मुझे पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा अच्छा मांझा बना के भेजेंगे। मेरे पास बहुत सारे ब्रांड है दोस्तों, और कितने ब्रांड है मैं खुद नहीं जानता हूँ, लेकिन ये मांझा सबसे अलग हटके है, ये मांझा सारी ब्रांडों से एकदम अलग हटके। 8400 आर्टिकल से मैंने इतना अच्छा मांझा आज तक मैंने नहीं देखा, मैं ये अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे मांझे बेचे, मैं बहुत सारे मांझे बेचता हूँ, पर इतना अच्छा 8400 शायद ही किसी का होगा। यहाँ पर मैंने एक चरखा ले लिया, 9 कॉर्ड है ये 3 रील के ऊपर है, इसको भी मैं ओपन करना चाहूंगा एक बार, और ये थोड़ा सा जो बैगन का कलर होता है बैगनी कलर है ये, 9 कॉर्ड में 3 रीलें देखिए मांझा, ये देखिए क्वालिटी यही होती है मांझे में, चाइनीज मांझा जाए तो इस पर कहीं दूर दूर तक टिकेगा नहीं मेरे हिसाब से, मतलब सारे मांझे सेम होते हैं इनके, सारे मांझे इनके ज्यादातर गोल धार के होते हैं, मांझे में जो जमाव होता है वो परफेक्ट होता है एकदम,
मतलब मांझो को आप देखिएगा, कभी भी इनका मांझा फील करिएगा तो मांझे का जो जमाव है वो एकदम परफेक्ट होगा, मांझे में भुरभुरापन नहीं होगा। बहुत से मांझों में आपने देखा होगा भुरभुरापन, इनके मांझे में भुरभुरापन नहीं होता। कांटा अगर है तो कांटा एक जैसा होगा, मतलब आप चले जा रहे हैं उंगली पर रखते हुए इसको, कांटा आपको एक जैसा नजर आ रहा है। कहीं पे ऐसा नहीं कि कहीं पे गोल धार है या कहीं पे बहुत ज्यादा तेज हो गई या कहीं पे डाउन हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल एक जैसा कांटा नजर आएगा आपको, एक जैसी धार मिलेगी आपको, मांझा एकदम गोल मिलेगा। जो कि अच्छा गोल मांझे का देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट होता है दोस्तों, गोल मांझा जो होता है वो मांझा आपसे खींच के बहुत अच्छा लड़ेगा, और अगर वो फंसता है तो फंस के भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसमें। तो ये सब इनके मांझे हैं, ये आपको 3 रील पे मिल रहा है और ये आपको 6 रील पे भी मिल जाएगा। 9 कोड, ये देखिए 9 कोड, इसमें पूरी डिटेल दी है इनकी। 9 कोड आपको 3 रील और 6 रील पे मिल रहा है। और यहाँ पर मेरे पास देखिए एक है ब्लैक कमांडो का, सॉरी ये जो चरखा मेरे हाथ में, ये है 6 रील का, ये 12 तार के ऊपर है। मैं इसको भी ओपन करना चाहूंगा, ये देखिए मेहरून कलर निकला है, गेज बढ़ गया, इस पर देखिए 12 कॉर्ड लिखा है, तेजस के ऊपर है। तेजस एक बहुत अच्छा धागा होता है और सबसे ज्यादा मांझा तेजस के ऊपर ही बनता है पांडे में। ये मांझा थोड़ा सा और ज्यादा तेज है, इन मांझों के अकॉर्डिंग 12 कॉर्ड थोड़ा सा ज्यादा तेज है। मांझा एकदम गोल है, धार बहुत अच्छी है, बहुत शानदार धार है इसमें भी, मतलब धार की किसी में भी कमी नहीं है। आप जैसे मर्जी आए लड़ा सकते हैं इनका मांझा। और एनआर के दोस्तों एक ब्रांडों में ब्रांड है, मतलब अगर बरेली की सबसे बड़ी ब्रांडों की बात करें तो नाम आता है सबसे पहले एनआर के का। इसमें लाखों कारीगर हैं, लाखों कारीगरों में जो एनआर के हैं, और भी कुछ कारीगर ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छे कारीगरों में, लाखों में से 10 कारीगर ऐसे हैं जिनका बरेली में कोई जोड़ नहीं है, उन 10 में से एक एनआर के भी हैं जो कि टॉप 10 में आते हैं। बहुत अच्छे कारीगर है, बहुत अच्छे मेकर है, बहुत लंबे समय से ये अपना मांझे की दुनिया में नाम जो है वो कायम रखे हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा एक रिव्यू था, मेरे हिसाब से आप 8400 आर्टिकल पे इनका कोई भी मांझा ले सकते हैं छत से लड़ाने के लिए। सारे के सारे मांझे बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा बेस्ट है। अगर आप थोड़ी सी बड़ी पतंग उड़ाते हैं तो आप 9 कोड पे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी पतंग उड़ाते हैं तो आप 12 कोड पे भी जा सकते हैं। 12 कोड में आपको 3 रील मिल जाएगी, 6 रील मिल जाएगी, जो लेना चाहें आप ले लीजिए। तो गाइज ये था एक छोटा सा रिव्यू इन मांझों का जो कि मैंने आपके सामने अभी ओपन किया, इनका रिव्यू किया। आप देख सकते हैं कितनी लाजवाब, कितनी शानदार क्वालिटी इन्होंने हमको बना के दी है, ये सब आपके लिए दोस्तों। तो इसमें आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं मिलने वाली, इसमें बहुत अच्छी कोशिश करी गई है, मैंने और आशु भाई ने मिलकर इसमें बहुत मेहनत करी है, मतलब मैंने तो मेहनत करवाई, आशु भाई ने खुद मेहनत इसमें करी है। और इस मांझे में आपको इंशाल्लाह कभी भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी इस मांझे की, नहीं मैं इनके सभी मांझों की बात करता हूं। आशु भाई जो है वो एनआरके के बेटे हैं और इस समय का सारा काम आशु भाई ही देखते हैं। देखिए पहले जो थी उनकी रेसिपी कुछ थी, बदलते दौर के हिसाब से मतलब वो बदल रहे हैं। जैसे कि पहले का दौर था, पहले के एनआरके के मांझे थे वो अलग थे, अब जो एनआरके के मांझे हैं वो और ज्यादा डिफरेंट है, मतलब दौर के हिसाब से बदलना इनको अच्छी तरह से आता है। तभी दोस्तों यही वजह है कि ये इतने लंबे समय से इस मार्केट में कायम है और इनका मांझा जो है दोस्तों बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है और 0% कह सकते हैं कंप्लेन इनके मांझे में होती है। बहुत ही रेयर केस में कंप्लेन आती है दोस्तों, एक आध कंप्लेन तो कभी ऐसी आती भी है कि लोगों को कोई खिलाड़ी ले गया उसको शायद लड़ाना ना आता हो, कंप्लेन ऐसे भी आ जाती है। पर मैंने कभी भी इनका मांझा किसी अच्छे खिलाड़ी को दिया तो खिलाड़ी ने कभी भी कंप्लेन नहीं की इनके मांझे में। तो मैं इसी वजह से मैं कहता हूं दोस्तों कि ये भी एक 0 कंप्लेन मांझा है। और एनआरके दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है बरेली का, एक बहुत बड़ी ब्रांड है जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों ये छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।